हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के DAY-76 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा CISI पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। रजत इन्वेस्टेड ₹12,000 ईच इन टू डिफरेंट स्कीम ए एंड बी। दो स्कीम है हमारे पास, ए और बी। दोनों में ही रजत कितना इन्वेस्ट करता है? ₹12,000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है। दोनों में रजत कितना करता है? 12,000। स्कीम ए ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट आर परसेंट, ठीक है। स्कीम ए जो है ऑफर करता है कंपाउंड इंटरेस्ट आर परसेंट पे, यानी स्कीम ए का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आर है, ठीक है। रेट को मैंने यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल को इंडिकेट कर, दोनों के लिए, ठीक है। ऑफ वाइल स्कीम बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट विच इज आर परसेंट लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ए, ठीक है। स्कीम ए का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उससे आर परसेंट कम है, यानी स्कीम ए का कितना है हमारा? आर है। और फिर हमारा आर परसेंट कम, यानी कितना? 100 माइनस आर अपॉन में कितना? 100, और ये परसेंट इतना ही का है हमारा रेट परसेंट स्कीम बी का, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए इज 810 मोर देन क्या इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम बी। स्कीम बी से जो स्कीम ए से जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो बी से कितना अधिक है? 810 अधिक है, यानी कि ए माइनस बी हमें दिए हुए है कितना? 810, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में क्या है, टाइम दिए हुए है आफ्टर 2 ईयर, यानी कि दोनों के लिए कितना साल है हमारे पास? 2 साल है, ठीक है। अब यहाँ पे लिटरली ये सब सवाल जो है, ये सब सवाल में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है और थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। देखो सवाल में क्या है, हमको अंतर जो दिए हुए है, ये जो डिफरेंस दिए हुए, ये किसका डिफरेंस दिए हुए है? इंटरेस्ट का दिए हुए, CI माइनस SI का दिए हुए, ठीक है। तो CI जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो CI हमारा क्या हो जाएगा? 12,000 पे 1 प्लस आर अपॉन 100 कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा CI हो जाएगा, ठीक है। SI जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, SI हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12,000, और यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से आर इंटू 100 माइनस आर अपॉन 100, ये तो पूरा पूरी अभी रेट लिखा है, ठीक है, बटा में जो इंटरेस्ट वाला 100 होता है वो 100, और इंटू कितना हमारा? 2, ये हमारा हो गया SI। और इन्हीं दोनों का अंतर अब इसी को मुझे सॉल्व करना है, अंतर निकाल के मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12,000 है, ठीक है। जब अंदर में मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर लिख के मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस में r स्क्वायर अपॉन में कितना 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2r बटा में कितना 100, ठीक है, और माइनस में हमारा 1 तो है ही, ठीक है। ये 1 और ये 1 हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। माइनस, अब बिग ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं, SI का हमारा क्या है? 12,000, ठीक है। 12,000 यहाँ पे R है, जब इसे मैं सॉल्व करूँगा फर्दर अंदर की ओर ही मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये मुझे देगा 100R माइनस में कितना? R स्क्वायर, और बटा में हमारा कितना है? 100 इंटू 100, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई कितना? 2, ठीक है। और इन्हीं दोनों का अंतर हमारा कितना है? 810। तो दोनों ही जगह 12,000 12,000 है, मैं दोनों जगह को 12,000 को कॉमन लेके इस पर नीचे भेज देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बचेगा क्या? आर स्क्वायर बटा में 100 इंटू 100, ठीक है, प्लस में 2R बटा में 100, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये मुझे क्या देगा? 200R, और माइनस में हमारा क्या हो जाएगा? 2R का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों के नीचे क्या होगा? 100 इंटू 100, और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? 100 इंटू क्या 100, ठीक है। और यही हमारा किसके बराबर होगा? 810, और ये जो 12,000 लिया था मैंने उसे नीचे ला के रख दिया 12,000, ठीक है। अब मुझे इसी को सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो सॉल्व करूंगा जब मैं, तो आर स्क्वायर यहाँ से आप देख रहे हो, आप यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो में काट सकता हूँ, ठीक है, काट दिया मैंने, तो इसे मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करके आर स्क्वायर अपॉन में मैं 100 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस में 2R अपॉन में 100, माइनस में हमारा क्या हो जाएगा? 2R अपॉन में 100, ठीक है, और फिर यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा हमारा कितना? 2R स्क्वायर बटा में कितना 100 का स्क्वायर। यहाँ से देख रहे हो आप 2R खत्म हो गया हमारा, ठीक है, इक्वल टू हमारा ये तो है ही 8,810 बटा में कितना 12,000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, मैंने पहले ही बोला था इस क्वेश्चन को लिटरली मुझे सॉल्व करना होगा और इसका एल्स कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर 2R स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, यानी ऊपर वाले ऐड हो जाएगा हमारा, 3R स्क्वायर बटा में क्या हमारा 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 100 10,000 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 810 बटा में कितना 12,000। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, अब इजी हो गया, जो था मेरा मतलब लिटरली इस क्वेश्चन में क्या है,
थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना है और कुछ नहीं। इस सवाल में कहीं पे कोई भी मेहनत नहीं करवाया, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा उसको ढो के लेके आना है लास्ट तक, और लास्ट में जाके वो आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, 3-0, 3-0 जो है आसानी से मेरा खत्म हो गया। अब सबको मैं एक साथ रख देता हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 810/12। ये 10 है ऊपर चला जाएगा यानी कि गुना में 10, और 3 हमारा क्या है नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितना बार में कट जाएगा, 3 से कटेगा 270 बार में, यानी आर स्क्वायर। अब जहाँ से और भी मैं काट सकता हूँ, कैसे काटूंगा इसको भी थोड़ा सा मैंने अपने अकॉर्डिंग जो तोड़ा था उसे सबसे आसानी से ये तोड़ा था, 27 × 100 मैंने ऊपर लिख दिया था और 12 को मैंने लिख दिया था 4 × 3। 3 से कट गया ये 9 बार में हमारा, 4 से कट गया ये 25 बार में हमारा। अब आर स्क्वायर निकालना है, आर बराबर क्या हो जाएगा, √9 × 25। 9 का हमारा आर क्या दे देगा, 3 दे देगा, और 25 का क्या देगा, 5। यानी 3 × 5 कितना हो गया, 15%। मुझे क्वेश्चन में आर की ही वैल्यू पूछी थी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का मान मुझे कितना निकल गया, 15%, और इसी के साथ हमारा क्या है आंसर, 15%। तो सवाल में कुछ नहीं था, सवाल जब जस्ट थोड़ा सा लेके चलना था, आप कितना आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हो बस ये ध्यान में रखना था। आप जितने इसको लेके चलोगे स्टेप बाय स्टेप, उतना ही आपका गलती होने का चांसेस जो है घट जाएगा। होप आप लोगों को क्लियर होगा।